Good afternoon, everyone. Welcome again in Oscans Overseas Education Private Limited. Again, हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं. ये आप लोगों के लिए है. इसमें मैसेज भी है और अप्रिशिएशन भी है. हमारे लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का अभी तक होप उन्होंने छोड़ दी है कि हम अपने जो मतलब कंट्री है, जो उनकी अपनी चॉइस की कंट्री है, उसमें नहीं जा सकते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क वीज़ा टुडे. जो मेरे पास स्टैम्प्ड वीज़ा है प्रिया जी का, लेट्स टॉक टू हर कि उनकी जर्नी ऑस्कैंस के साथ कैसी रही है, उनका वर्क वीज़ा कैसे आया है, कौन सी फील्ड में आया है, पोजीशन कौन सी है, कौन सी प्रोविंस है, ये सब कुछ आपको प्रिया जी खुद बताएंगे. सो वेलकम इन ऑस्कैंस. थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द वर्क वीज़ा. थैंक यू सो मच. तो मैम, आपको ऑस्कैंस के बारे में किसने बताया था? मेन एफर तो मेरे हस्बैंड का है, इन्होंने पता करा था. आपने कैसे सर्च किया था ऑस्कैंस को? मैंने सर्च इसलिए किया था कि ऑलरेडी मैंने एक फाइल अपनी लगवाई हुई थी पहले पीआर के लिए. वो कहीं और से लगवाई? कहीं और से लगवाई थी. हाँ. तो मुझे यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था कि एक बार आप वहाँ जाके कंसल्ट कीजिए. तो फिर मेरी मुलाकात आरती मैम से हुई. तो इनके कारण आज हम ये वीजा हमें. तो वो फाइल का भी कोई रिजल्ट नहीं है? दो साल हो गए उसका कोई रिजल्ट. वो जो किसी और कंसल्टेंसी के पास फाइल लगाई है, दो साल से उसका कोई रिजल्ट नहीं है. इन बिटवीन हम वीजा ले चुके हैं. और ये होता है कि पर फाइल कैसी है, आप कैसे किस पैरामीटर्स पे किस क्लाइंट को गाइड कर रहे हो. एक गाइडलाइन, प्रोफेशनल जो गाइडलाइन होती है ना, वो बहुत मायने रखती है वीज़े के लिए. तो जैसे ये लोग हमारे पास आए, एक्सपीरियंस हमने जज किया, रिज्यूमे इनका देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको प्रोविंस और पोजीशन बताई. और ये जो पोजीशन है, ये जो वीज़ा है, ये आपको कितने डेज में, कितने मंथ्स में ऑस्कैंस ने दिलाया है? वन मंथ से कम. वन मंथ में मेरा पासपोर्ट आ गया था, मतलब पीपीआर की रिक्वेस्ट आ गई थी. वन मंथ के अंदर अंदर पीपीआर रिक्वेस्ट, वो भी वर्क वीज़ा की. लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, लाइन खुद बोल रहा है आपके सामने. एक महीने के अंदर अंदर ये वीज़ा हमने कराया, वर्क वीज़ा. LMI अप्रूव्ड थी हमारे पास और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये जो अप्रूवल लेने में भी टाइम लगता है, सारा इतना फास्ट प्रोसेस करवाया इनका कि एक महीने में ये वीज़ा हमने इनको लेके दे दिया. ये वर्क वीज़ा है. और ये कितने ईयर्स का वीज़ा है? ये पहले तो 2 ईयर का बोला था, बट ये एक्सटेंड हो गया. ये एक्सटेंड होके इनको जो इम्प्लॉयर ने वीज़ा दिया है, वो 3 साल का वीज़ा ग्रांट किया है. तो सबसे बड़ी बात है कि 3 ईयर्स इफ़ यू आर वर्किंग इन कैनेडा, तो फ्यूचर तो अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा ना. 3.5 से 4 साल में तो कैनेडा PR दे देती है. तो पॉइंट्स देखो कितने स्ट्रॉन्ग बन जाएगी. पूरी फैमिली के साथ इन्होंने जाना है और ये पॉइंट्स बनेंगे, हस्बैंड के भी पॉइंट्स ऐड होंगे, तो इनकी PR एज सून एज पॉसिबल हो जाएगी. कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो? हम ब्रिटिश कोलंबिया में. ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं ये, और अलॉन्ग विद मतलब फैमिली जा रहे हैं. इनका छोटा सा बच्चा भी है, ये भी साथ में जाएगा. इन लोगों स्टैम्प्ड वाले जो पासपोर्ट आने बाकी हैं, प्रिया जी का मेरे पास आ गया है, तो हम इसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो जो इनके पासपोर्ट आएंगे, तो इसी के साथ हम कंबाइन करके आपको बताएंगे कि इस वीडियो के जो रेस्ट पासपोर्ट हैं वो ये है स्टैम्प. तो आपको कोई दिक्कत आई, परेशानी आई? नहीं, आपकी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं. कोई सर्विस में परेशानी आई? नहीं. जो कमिटमेंट था, वैसे हमने कमिटमेंट 3 महीने की करती हूँ मैं. जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 90 डेज टू 120 डेज होता है वर्क वीज़ा का, वही हमने कमिटमेंट की थी. लेकिन जो वीज़ा है वो 1 महीने में हमारा आ गया था. और कैनेडियन टीम से ये खुद मिले हैं, हमारी कैनेडियन टीम से आप खुद मिले हैं ना. जब सेमिनार में आपने ये हमें, इन्होंने इनरोलमेंट जो अपनी अपने आप को जो इनरोल करवाया था, वो एक सेमिनार में करवाया था हमारा. और तब ये छोटा सा बच्चा हुआ नहीं था. मैम डिलीवरी के स्टेज पे थे और लास्ट डेज मैम के चल रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि हम जो है वो अपनी फाइल डन करेंगे. और इन बिटवीन छोटा सा बेबी इनका जो आया, वो इनके लिए काफ़ी लकी रहा. वीज़ा 1 महीने में आ गया. और ऑस्कैंस की भी हार्डवर्क थी, इन लोगों की भी हार्डवर्क की वर्क थी कि हमने ये वीज़ा एज सून एज पॉसिबल ले लिया है. कैसा लग रहा है अब? वो बहुत अच्छा. आपको लग रहा है कि ड्रीम सक्सेस हो गया कैनेडा? इट्स कम ट्रू. हाँ. कोई और डाउट, कोई और ऐसी मैं मतलब... तो सबको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑस्कैंस ओवरसीज में आइए और अपना वीजा शॉर्ट लगवाइए. कैनेडियन टीम से आप खुद मिले हो, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी. कैसी लगी आपको कैनेडियन टीम? बहुत ऑसम. उन्होंने जो भी उनसे हमने क्वेश्चन की, उन्होंने सैटिस्फैक्टरी आंसर दिए. वो एक्चुअली यहाँ आए हुए थे, उनकी विजिट थी,
और उनके विजिट के दौरान ही इनका केस अप्लाई हुआ। उन्होंने खुद इनको डील की, खुद उनको समझाया, फाइलिंग सारी कनाडा से ही होती है हमारी और वो जो भी गाइड करते हैं परफेक्टली करते हैं। और जैसे ही इनकी प्रोफाइल उनके हाथ में गई, उन्होंने बोल दिया था कि ये प्रोफाइल का वीज़ा हम एज सून एज पॉसिबल ले लेंगे। हम 120 डेज कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द नो कोड होता है, अकॉर्डिंग टू द नो कोड होता है, ऐसा नहीं है कुछ नो कोड में इससे ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो कुछ नो कोड में वीज़ा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। नो कोड पता है आपको अपना? नो कोड बी। बी, नो कोड बी में जा रहे हैं क्योंकि स्पाउस केस नो कोड बी में ही जाते हैं, सी में स्पाउस केस नहीं जाते। ये हर किसी को नहीं पता कि जो कनाडा की LMI होती है या कनाडा का वर्क वीज़ा होता है वो को अपने कोड्स में टियर में होता है, टियर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। और इसमें जो हमारे पास नो कोड है वो बी का वीज़ा है, ठीक है। और जो बी का वीज़ा होता है ये अच्छा एक पोजीशन होती है जिसपे आप PRB आफ्टर 6 मंथ अप्लाई कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है आप स्टैम्प वीज़ा आपको? अच्छा लग रहा है, बेसिकली आप प्रोफाइल देख के गाइड करते हो, ये मेन अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ही गाइडेंस होती है, ऐसा थोड़ी नहीं, वो तो कोई भी प्रोफाइल उठाओगे वो स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। जब तक प्रोफाइल को जज नहीं करोगे को किसी का वीज़ा नहीं आना है, उसको हम असेस करवाते हैं कैनेडियन टीम से, कैनेडियन टीम हमें असेसमेंट देती है, उनका जो अपना टाइम पीरियड होता है, जो टाइम लाइन है वो हमें एक टाइम लाइन उनसे मिल जाता है। जैसे इनके लिए मुझे जो टाइम लाइन मिली थी वो उन्होंने 1.5 मंथ to 4 मंथ का टाइम पीरियड उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने 1 महीने में ये वीज़ा हमें करके दे दिया। तो टाइम फ्रेम जो है वो वही कैनेडियन टीम ही देती है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। कईयों में हमें लगता है एल्स की नीड है, उस पॉइंट्स के लिए अच्छी आइल्स की नीड है, तो हम बोल के बच्चे से करवाते भी हैं, और कई बार बच्चे के पास ऑलरेडी होते हैं तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच एक ऑस्कैंस के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए कि ऑस्कैंस आपकी पूरी फैमिली का वीज़ा लगा के देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर कि ये पूरी फैमिली का वीज़ा हम करवा के दे रहे हैं, सिंगल प्रिया जी का वीज़ा नहीं करवा के दे रहे। तो पूरी फैमिली कनाडा में लैंड करेगी कुछ दिनों में, वो भी स्टैम्प होके आ रहे हैं पासपोर्ट, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन और गॉड ब्लेस पूरी फैमिली को हमारी तरफ से, ऑस्कैंस की तरफ से। और मैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी कैनेडियन टीम और अपने MD मैम अर्चना बत्रा मैम के लिए हूँ, क्योंकि ये सारा उनका ही स्ट्रगल होता है जिसके बिहा पे हमारे सक्सेसफुली वीज़ाज आते हैं और जिसके बिहा पे हम अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।